दाएं साइड पर वो स्टार्स मौजूद हैं जिन्होंने एफएससी के इम्तहान टॉप 20 में पोजीशंस हासिल की हैं। इनका ताल्लुक रीड फाउंडेशन कॉलेज दीदकोट से है और आज यहाँ पे तकरीब मनाकिद हुई जिसमें सीईओ रीड फाउंडेशन और जनरल मैनेजर और रीजनल मैनेजर और दीगर जो उनका स्टाफ था वो मौजूद था। सारे लोगों ने इनको अप्रिशिएट किया है, खराज तहसीन पेश किया है। ये वो बच्चियाँ हैं जिन्होंने इस इलाके का नाम बुलंद किया है और सारे लोग जो है फख्र महसूस करते हैं। मीरपुर बोर्ड में जो 37,000 से ज़ायद स्टूडेंट्स आए उनमें से टॉप 20 में ये आने वाली हमारी वो बच्चियाँ हैं जिन पे बजा तौर पर फख्र महसूस किया जा सकता है और यहाँ के लोगों ने अप्रिशिएट किया है। इनसे तो लोगों की ये है कि मुस्तकबिल में इस रियासत की, इस कौम की और यहाँ के लोगों की जो है वो खिदमत करेंगी, तालीम के ज़रिए से आगे बढ़ेंगी। यहाँ पे जो बच्चे मौजूद हैं मैं इनसे पूछना चाहूँगा वन बाई वन, बेटा आप मुस्तकबिल में क्या बनना चाहती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले अल्लाह का लाख लाख शुक्र कि जिसने इतना बड़ा मुकाम अदा किया है। और सबसे पहले तो मेरी जो ख्वाहिश है कि मैं मेडिकल में चली जाऊँ, कि मैं डॉक्टर बनूँ और डॉक्टर बनने के बाद मुझे अगर उस फील्ड में भी अगर कोई शौक है तो मुझे ज़्यादा पढ़वाने की तरफ है, प्रोफेसर मेडिकल में जाना चाहती हैं और वहाँ पर भी वो डॉक्टर्स को खुद जाकर पढ़ाना चाहती हैं। आप बेटा क्या बनना चाहती हैं? सबसे पहले तो नाम बताएं। मेरा नाम अशियान आबिद है और सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ जिसने ये मुकाम अता फरमाया। उसके बाद मैं अपनी टीचर्स का, स्पेशली कर्नल साहब का, जिन्होंने हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया और इस मुकाम तक पहुँचाया। इसके अलावा सर साजिद हैं, सर साजिद हैं, उन सबकी मैं बेहद मशहूर हूँ। इसके अलावा मेरे वो तमाम टीचर जिन्होंने मुझे पेंसिल पकड़ कर लिखना सिखाया और आज मैं इस मुकाम पे मौजूद हूं। और आप बड़ी होकर क्या बनेंगी? पढ़ के आप क्या बनना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूं और ऐसी डॉक्टर की जो मुल्क को खिदमत करे, जो इंसान के लिए आसानियां पैदा करे, ऐसी डॉक्टर के जो लोगों की खिदमत के लिए काम कर सकूँ, वो ऐसी डॉक्टर बनना चाहती हैं, सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं। बेटा आप अपना तारफ करें और साथ बताएँ कि कैसा महसूस कर रही हैं आप। बहुत ज़्यादा गर्व है हम पे कि अल्लाह ताला ने हमें इस मुकाम पे पहुँचाया, बहुत अच्छी फीलिंग पे। कुछ भी बनने से पहले मैं सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना चाहती हूँ, किसी भी प्रोफेशन में जाने से पहले, क्योंकि आजकल हमारे पास डिग्रीज तो होती है लेकिन इंसानियत दिख रही है। इंसान बहुत है कि जिसको मतलब एक बंदा हुआ कि जो दूसरे के पेन को मतलब बस फील कर सके, और इतना खूबसूरत मीडियम है कि जब आप किसी के साथ कनेक्ट होते हैं उसके पेन को फील करें। एक अच्छा इंसान बनने जा रही है और जो खुद अच्छा इंसान बनता है तो वो बाकी लोगों को, सोसाइटी को भी एक अच्छा इंसान बनाता है। अच्छा डॉक्टर हो, अच्छा इंजीनियर हो, अच्छा प्रोफेसर हो, लेकिन सबसे अच्छा अच्छी बात यह कि वो अच्छा इंसान हो और तभी वो बाकी लोगों की खिदमत कर सकता है। बेटा आप अपना तारफ और क्या फीलिंग्स हैं आपकी? मेरा नाम शकील है। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि इतनी कामयाबी से उसने नवाजा है। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और लोगों को सर्व करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत से डॉक्टर्स होते हैं वो वैसे कोई गरीब वगैरह इस तरह के कोई लोग आते हैं तो उसे अच्छी तरह ट्रीट नहीं कर पाते। मैं इस तरह के डॉक्टर इंशाल्लाह बनूंगी कि जो मतलब लोगों को सर्व, लोगों की खिदमत के लिए डॉक्टर बनना चाहती हूं और लोगों को सर्व करूंगी फ्यूचर में, और इसके लिए जाहिर है कि मेहनत कर रही थी। बेटा आपकी क्या फीलिंग्स हैं? मार्क्स आए तो इनके लिए यही है कि ये फैजान है नज़र था या कि मकतब की करामत, सिखाए किसने इस्माइल को अदाबे फर्जंदी। मेरे तमाम जो टीचर्स जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, उसके अलावा सर साजिद, सर जायद और कर्नल साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि जिन्होंने इतना सपोर्ट किया। मैं हर फोरम पे कहीं भी हेल्प की ज़रूरत पड़ी उन्होंने हमारी हेल्प की। तो उसके अलावा ये जो मार्क्स आए ज़ाहिर अपनी मेडिकल के ग्रुप से आए तो मेरी पहली कोशिश थी मेडिकल ही होगी। तो यही है कि जो भी आगे है जिस फील्ड में भी जाऊँ माशरे के लिए और अपने लिए बेहतरी हो, और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि उसने जो मुकाम अता किया है ये हमारे हक में बेहतर हो और पूरी सोसाइटी के और पूरे कॉलेज के हक में बेहतर हो। मेरे पास जी आप सुन रहे थे, ये वो बच्चियां हैं जिन्होंने एफएससी के इम्तहान में टॉप 20 में पोजीशंस हासिल की हैं, मुस्तकबिल में मुल्क और कौम के लिए काम करना चाहती हैं और खिदमत सर अंजाम देना चाहती हैं। उसके लिए इन्होंने अज़्म का इज़हार किया है। हमारी दुआ है कि अल्लाह करे कि ये जो कौम की काबिल फ़ख्र बेटियाँ हैं ये कौम और मिल्लत के लिए अपना किरदार अदा करें, जिस स्पिरिट के साथ, जिस जज्बे के साथ वो मुल्क और कौम की खिदमत करना चाहती हैं। उसके लिए मैं बाकी लोगों से भी गुजारिश करूँगा कि वो इनके लिए दुआ करें।
रीड फाउंडेशन का बिलखसूस रीड फाउंडेशन कॉलेज के प्रिंसिपल कर्नल इस्माइल साहब का, साजिद अब्बासी साहब का, राजा जायद साहब का और उनकी बाकी टीम का और बाकी जो जितने भी टीचर्स हैं उनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि ये जो कामयाबी का सिलसिला है ये जारी और सारी रहेगा।